हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ई टेलरिंग मॉडल के बारे में, जिसको हम कहते हैं ई रीटेलिंग का शॉर्ट फॉर्म, यानी कि ई टेलिंग यानी कि ई रीटेल, जो रीटेल की सारी एक्टिविटीज़ है जहाँ पे सेलर एंड बायर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं और सेल और परचेज की ट्रांजेक्शन की जाती है, उसको अब रीटेल कहते हैं, जहाँ पे छोटी क्वान्टिटीज़ के खरीद बेच होती है। वहीं पर जब ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाए, इंटरनेट के माध्यम से की जाए या इंटरनेट की सहायता लेकर के की जाए, तो उसको आप ई रिटेलिंग कह देते हो, जहाँ पे ई रिटेलिंग का शॉर्ट फॉर्म आप ई टेलिंग भी कह सकते हैं। और इसी के मॉडल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर किस तरीके के मॉडल्स यहाँ पे होते हैं। देखिए, ई टेलर जो है ये टर्म डिराइव्ड हुआ है इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर से, जिसका मतलब होता है बिजनेस का ऐसा बिजनेस जो कि सेल करता है गुड्स एंड सर्विस इंटरनेट के माध्यम से। ई टेलर्स ऑपरेटर्स जो है वो एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन होते हैं यहाँ पे, जैसे कि पहले आपकी नॉर्मल शॉप्स होती थी जिसको हम ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स कहते हैं, उससे जो है थोड़ा अलग होता है और इसी के बारे में आज देखते हैं। देखिए, ई टेलिंग जो है ये एक ब्रॉडली कैटेगरी है, इसकी जो है दो टर्म्स में बांटी गई है, यानी ई रिटेलिंग को मेनली दो पार्ट्स में बांटा गया है, दो पार्ट्स में कैटेगरी में इसमें बांटा गया है। मेन मॉडल जो उनका है वो है कि ये लोग इन्वेंट्री मैनेज कैसे करते हैं, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल एंड दूसरा मार्केट बेस्ड मॉडल। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, यहाँ पे इन्वेंट्री बेस्ड ई टेलरिंग मॉडल यानी कि द ई टेलर ओन्स एंड मैनेज द इन्वेंट्री। मतलब क्या है बेटा, आपने देखा होगा कई बार आप शॉपिंग करते हो तो कुछ ऐसी वेबसाइट से भी आप शॉपिंग करते हो जिनकी वेबसाइट का खुद का कोई स्टोर नहीं है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो एप्पल के खुद के स्टोर्स हैं, वो खुद की इन्वेंट्री, वो खुद के प्रोडक्ट्स बनाता है। एंड व्हेन आई एम सेइंग स्टोर्स, इट मींस दे प्रोड्यूस समथिंग जो कि वो बेच रहे हैं और वही वो बेच रहे हैं। और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको सिर्फ एक ऑप्शन देते हैं टू कनेक्ट द सेलर एंड बायर, यानी कि जैसे लेट सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अमेज़न कहीं ना कहीं एक ऐसा, उसके खुद के भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, बट वो एक आपको प्लेटफॉर्म देता है कि सेलर आकर के रजिस्टर कर सकते हैं, बायर आकर के रजिस्टर कर सकते हैं एंड दे बोथ कैन गेट कनेक्टेड और वो अपना सेल परचेज ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल बनता है सबसे पहले, कि पहले तो भाई इन्वेंट्री के बेस पे मॉडल बना दो कि क्या ये ई टेलर्स खुद मैनेज करते हैं अपनी इन्वेंट्री या नहीं। सो जो प्रोडक्ट्स है वो स्टोर है इन वेयरहाउस और फुलफिलमेंट सेंटर्स मैनेज बाय ई टेलर। तो यानी कि अगर वो मैनेज कर रहे हैं या फिर ये वो मैनेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो यही आपका मॉडल है कि भाई आपका इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल की या तो उनके पास इन्वेंट्री है या नहीं है, वो किसी और से ले रहे हैं। तो यहाँ पे वो आपका इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल है। की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ई टेलर्स जो है वो ओन करते हैं द प्रोडक्ट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर आपका इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल है, इट मीन्स आप इन्वेंट्रीज खुद अपना रखते हो, मैनेज करते हो, तो वहाँ पे उसकी जो ऑनरशिप है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, वो सब के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे। आप जो है उस प्रोडक्ट को ओन करते हो और इसीलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे अमेज़न के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उस प्रोडक्ट्स को लेकर के, या एप्पल स्टोर से उसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो वो एप्पल वाले ही उस प्रोडक्ट को लेकर के यहाँ पे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस पूरी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल होता है सप्लाई चेन पे, प्रोडक्ट क्वालिटी पे एंड कस्टमर एक्सपीरियंस पे। क्यों? बिकॉज लेट सपोज कोई सेलर आकर के आपके यहाँ अमेज़न पे या किसी और वेबसाइट पे रजिस्टर कर रहा है, उसको प्रोडक्ट का जो है ऑर्डर मिल गया, बट उसने उसको ठीक तरीके से नहीं भेजा, टाइमली नहीं भेजा, तो यहाँ पे वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, वो चीज़ उस सप्लायर के हाथ में है जिसका एक्चुअली में वो इन्वेंट्री है। सो ऐसी स्थिति में जो है आपका कंट्रोल उसके पूरी सप्लाई चेन पे या प्रोडक्ट क्वालिटी पे नहीं होता है, वो जो बेच रहा है वो बेच रहा है। और यहाँ पे अगर आपका खुद का इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल है तो इट मीन्स आपका कंट्रोल भी होगा पूरी सप्लाई चेन पे, प्रोडक्ट पे, क्वालिटी पे और कस्टमर के एक्सपीरियंस
ऑप्शंस पे। नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग, यहाँ पे रिक्वायर होता है एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक के लिए, क्योंकि आपके पास सामान है तो आपको कहीं तो रखना पड़ेगा और उसको कस्टमर तक पहुँचाना है, तो वो जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, वो जो पूरी प्रक्रिया है आपके प्रोडक्ट को आपके कस्टमर तक पहुँचाने की, वो भी आपकी काफ़ी पैसे आपको देने पड़ सकते हैं। ब्रांडिंग की बात करें तो यहाँ पे जो है यूज किए जाते हैं एस्टेब्लिश ब्रांड्स एंड रिटेलर्स टू मेंटेन ब्रांड इंटीग्रिटी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो आपके ब्रांड्स हैं वो अच्छे ब्रांड्स होंगे, अच्छी प्रोडक्ट्स होंगे, ताकि आपके जो कह सकते हो रिटेलर्स हैं उसमें एक ब्रांड इंटीग्रिटी बनी रहे। प्रॉफिट मार्जिन जो है वो पोटेंशियली हायर होता है यहाँ पे, क्योंकि ये डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, क्योंकि लेट सपोज अगर आपने खुद की ही एक वेबसाइट बनाई रखी है जिसमें आपके खुद के प्रोडक्ट है, आप खुद बेच रहे हो, आप किसी अमेजोन वगैरह पे नहीं बेच रहे, तो वहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज़ गोइंग टू बी हायर। वाई? बिकॉज आपको कोई चार्जेस नहीं देने, आपको कोई कमीशन नहीं देना ड्यू टू यू नो अगर एनी कोई भी सेल होती है तो, क्योंकि वो पूरा सिस्टम ही आपका है, सो आप कितना भी चार्ज करोगे वो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें से अच्छा खासा निकाल सकते हो। फॉर एन एग्जांपल अमेज़न जो है ऑपरेट करता है एक मार्केट प्लेस पे, बट आल्सो वो जो है कुछ प्रोडक्ट सेल करता है जो कि उसकी खुद की इन्वेंट्री का है। वॉलमार्ट सिमिलरली अमेज़न की तरह, वॉलमार्ट भी अपनी जो है ऑन इन्वेंट्री जो है यहाँ पे मैनेज करता है, वो एक ऑप्शन मार्केट प्लेस भी देता है बट उसकी खुद की इन्वेंट्री भी होती है। ज़ारा यहाँ पे वो अपनी इन्वेंट्री ओन करते हैं, मैनेज करते हैं लॉजिस्टिक, ताकि जो है वो अपने फास्ट फैशन टर्नओवर को इंश्योर कर सके। नेक्स्ट आपका आता है मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल। मार्केट प्लेस बेस्ड रिटेलिंग मॉडल का मतलब है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप एज एन इंटरमीडियरी काम कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो बायर को एंड थर्ड पार्टी सेलर को, जो कि यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को आपके प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे ऊपर बेटा आपका था जो आपका इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, यानी कि आपकी खुद की इन्वेंट्री, आप खुद सब कुछ कर रहे हो। दूसरा आ गया मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल, यानी कि आप सिर्फ एक मार्केट बेस्ड मॉडल बना करके चल रहे हो, यहाँ पे आपने एक इंटरमीडियरी की तरह काम किया है जहाँ आप कनेक्ट कर रहे हो बायर और सेलर को, यानी कि यहाँ पे नो इन्वेंट्री ऑनरशिप, यहाँ कुछ आपको इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक वेबसाइट बनाई, आपने दे दी, लोग आ रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं एंड दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, सो यू डू नॉट हैव टू यू नो मैनेज एनी इन्वेंट्री बाय योर सेल्फ। ओके, सो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है वो आपका, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं रखना, यहाँ पे थर्ड पार्टी सेल करेगी, वो अपनी इन्वेंट्रीज हैंडल करेगी। डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज, यहाँ पे बहुत सारी जो है प्रोडक्ट वैरायटीज अवेलेबल हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलर हैं, कोई जो है चप्पल बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई आई ग्लासेस बेच रहा है, कोई ब्रेसलेट बेच रहा है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल हो जाते हैं। रिवेन्यू मॉडल, यहाँ पे अर्न किया जाता है थ्रू कमीशन, तो जितनी ज़्यादा आपके सेलर्स बेचेंगे आपको उसका ज्यादा कमीशन मिलेगा। लिस्टिंग फी आप ले सकते हो कि अगर किसी को लिस्ट करना है अपने आप को तो उससे थोड़ा चार्जेस ले सकते हो, और अदर चार्जेस आप सेलर से ले सकते हो। स्केलेबिलिटी, इजियर है स्केल करना, बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है इन्वेंटरी के लिए या वेयर हाउस के लिए, जो लोग सेलर हैं वो ही अपना सारा प्रोडक्ट आकर के यहाँ पे बेचते हैं, तो यहाँ पे आपको अपनी पॉकेट से ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना होता। रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पे लोअर होता है रिस्क रिलेटेड टू अनसोल्ड इन्वेंटरी, क्योंकि अगर सामान नहीं भी बिक रहा तो कोई बात नहीं, आपका रिस्क थोड़ी ना, आपके गोदाम में थोड़ी ना माल पड़ा है, ठीक है, बट क्वालिटी कंट्रोल कैन बी चैलेंज। बट यहाँ पे क्या है, क्वालिटी कंट्रोल का प्रॉब्लम हो सकता है। रिसेंटली मैंने एक ना वेबसाइट था ग्लैम रोड करके, वहाँ से कुछ प्रोडक्ट बाय किया था, ओके, एंड दैट वॉज रिलेटेड टू स्टेशनरी प्रोडक्ट, बट वेन आई रिसीव द यू नो ऑर्डर, मुझे मिला एक बॉटल, प्लास्टिक बॉटल, वो भी टूटा टाटा सा, घटिया सा। सो ये जो है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल। ओके, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, या क्वालिटी, चलो या तो क्वालिटी के मतलब ही नहीं बना, बहुत ही बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ रिसीव कर रहे हो आप, जो कि आपने ऑर्डर की थी, की ही नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे ये रिस्क मैनेजमेंट, इस पॉइंट को लेकर के रिस्क मैनेजमेंट आपका चलता रहता है, राइट? एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो ईबे, अलीबाबा एंड इट्सी, ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बायर और सेलर को जो है आपको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे आप जाकर के बायर्स और सेलर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन की बात करें बेटा तो यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल और मार्केट
बेस्ड मॉडल की बात करते हैं। चलिए इन्वेंट्री ऑनरशिप, इन्वेंट्री में जो है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में यहाँ पे आप खुद ऑन करते हो, यहाँ पे थर्ड पार्टी बायर जो भी सेलर है वो ऑन करता है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको इन्वेंट्री बेस्ड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए क्योंकि आपको वेयर हाउस भी रखना है, लॉजिस्टिक भी रखना है, और कंपेयर टू इसके यहाँ पे आपको इन्वेंट्री बेस्ड के मार्केट प्लेस में आपको कम इन्वेस्टमेंट चाहिए क्योंकि आपका स्पेशल फोकस जो होता है वो प्लेटफॉर्म पे होता है, ना कि यहाँ पे इन्वेंट्री या फिर लॉजिस्टिक पे। कंट्रोल की बात करें तो यहाँ आपका ग्रेटर कंट्रोल है, यहाँ लेस कंट्रोल है। प्रोडक्ट रेंज आपके लिमिटेड है क्योंकि आपको अपनी जेब से पैसा लगा के प्रोडक्ट लगाने हैं तो आप लिमिटेड लगा सकते हो, और यहाँ पे जो है पोटेंशियली अनलिमिटेड है। कई सारे यहाँ पे आपके सेलर आकर के उसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो उनका जो भी प्रोडक्ट है वो ला करके आप कह सकते हो लिस्ट कर सकते हैं। रिवेन्यू सोर्सेज की बात करें तो डायरेक्ट सेल्स होकर के हाई प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलता है, और यहाँ पे कमीशन के थ्रू, लिस्टिंग फीस के थ्रू या अदर चार्जेस के थ्रू यहाँ पे पैसा बनाया जा सकता है। स्केलेबिलिटी देखिए तो यहाँ पे जो है ज़्यादा स्केलेबिलिटी नहीं हो पाती है, और यहाँ पे इवन आपको अगर अपना स्केल बढ़ाना है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी, बट यहाँ पे इस सिचुएशन में आपको ईजियर है स्केल अप करना। ओके, रिस्क की बात करें तो हायर रिस्क है बिकॉज अगर आपकी इन्वेंट्री अनसोल्ड रह जाती है, नहीं बिकती है, तो आपका रिस्क हायर बन जाता है, और यहाँ पे लो रिस्क है क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल, बट क्वालिटी कंट्रोल का इश्यू हो सकता है। क्योंकि लो रिस्क क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नहीं खरीद के रखने हैं कि भाई अगर नहीं बिका तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड दिस होल टॉपिक। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।